बीजेपी ने इस फैसले को थोड़ी राहत देने वाला बताया है। नहीं, हमें अपेक्षित था कि सुप्रीम कोर्ट इस पे निर्णय देगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को रेमेडी दी जो कि विधायकों की खरीद फरोख करते हुए सीधे पकड़ाए स्टिंग ऑपरेशन में, देश की जनता ने देखा और बहुत शर्मनाक चेहरा देखा। उसके बाद भी उस मुख्यमंत्री के पक्ष में कहीं ना कहीं यदि निर्णय था, तो कल से मन में तो ये था कि शायद सुप्रीम कोर्ट में इस पर राहत मिलेगी। कोर्ट ने बड़े गंभीर रूप से सबकी बातें सुनी, अटॉर्नी जनरल साहब हरीश सालवे जी, दूसरी पक्ष से उनके वकीलों ने बात को रखा और अंत में कोर्ट का ये निर्देश आया कि अगली तारीख सुनवाई की होगी 27 अप्रैल, तब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे हो जाता है। हाई कोर्ट को एक आदेश दिया है कि हाई कोर्ट अपने जजमेंट को लिखित रूप में उपलब्ध कराएं और अंत में यूनियन ऑफ इंडिया से कहा है कि ये प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इस बीच में वापस ना लिया जाए। हरीश रावत ने कहा है कि कोर्ट का ये फैसला अंतरिम है और उम्मीद है कि मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी। वो उनका अधिकार है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि इस समय उनको किसी तरीके की कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये राज्य के हित में और संविधान सम्मत तरीके से आया हुआ निर्णय है। और फिर भी उनको अधिकार है और हम तो कहना चाहेंगे कि इन सरकार से सबसे कि इस राज्यों को अपने तरीके से काम करने दें। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर राज्यों की अपनी एक भूमिका है और हमारे विषय में जो निर्णय है वो अच्छे हैं या बुरे हैं स्थानीय जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए। जब तक हम कोई जो है राष्ट्र को कोई नुकसान न हो रहा हो, और यदि स्थानीय पॉलिटिक्स के आधार पर सरकारों को बर्खास्त किया जाने लगेगा तो ये बहुत खराब होगा। और बम्बई केस में, दूसरे केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, संवैधानिक पीठ ने जो कुछ कहा है, ये उसकी घोर अवमानना होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये वर्तमान प्रसंग भी है, ये देश के संवैधानिक इतिहास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध होगा। वहीं हरीश रावत से बात की देहरादून संवाददाता सोनू सिंह ने। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये जो पूरा मामला गया है, इसके बाद अब हरीश रावत जी का क्या कहना है, बातचीत कर लेते हैं। रावत जी, ये पहले हाई कोर्ट से जो फैसला आया था वो, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से अब स्टे दे दिया गया है, तो आप देखिए, हम जैसे लोगों की नियति को या तो ऊपर वाला निर्धारित करता है, कभी कभी दूसरे लोग भी उसमें हस्तक्षेप करते हैं, नियति निर्धारित करते हैं। पहले मोदी जी ने गड़ासा उठाया, सरकार दिया, बर्खास्त मुख्यमंत्री बना दिया, फिर हाईकोर्ट ने दया की, उन्होंने समझा कि भाई इनके साथ अन्याय हुआ है, उन्होंने फिर मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश के जरिए हमको निवर्तमान मुख्यमंत्री बना दिया, तो जो जो समय कह रहा है हम उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं। मगर एक बात स्पष्ट है, मुझे जो भी अवसर मिलेगा, किसी माध्यम से मिले, मैं उसका उपयोग उत्तराखंड की जनता की सेवा के लिए करूंगा, विकास के लिए करूंगा। बीते 12 घंटों में, 24 घंटों में जो आपने कैबिनेट करके तमाम फैसले लिए हैं, इसको लेकर के बीजेपी जो लगातार सवाल खड़े कर रही है, तो इस पर आपकी क्या रिएक्शन? देखिए, भाजपा तो मैं आया ही क्यों, ये चार धाम जिसको जिसको उन्होंने मान लिया था कि ये तो 5 साल तक नहीं चल पाएगी, वो चार धाम यात्रा क्यों चला दिया? अब उनको लगता है बिना हमारी मदद के कुंभ कैसे सफल हो गया, इतना भव्य आयोजन कैसे कर दिया गया। बहुत सारे सवाल वो उठाते रहते हैं, बहुत सारे सवाल वो करते रहते हैं, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा। मगर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, कल माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे अवसर दिया, मैंने जो अवसर दिया उसका भरपूर उपयोग जो है राज्य की जनता की सेवा के लिए किया। मैंने चार धाम के लिए किया, मैंने पानी की समस्या के समाधान के लिए किया, मैंने जो आग लग रही है जंगलों में उसके समाधान के लिए किया, बेरोजगार नौजवानों की समस्या का समाधान किया, SC ST OBC माइनॉरिटीज, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, विकलांग, हमारे पूर्व सैनिकों के
और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों आदि को जो जमीनों के पट्टे दिए हैं उनके रेगुलराइजेशन के लिए किया। मैंने मलिन बस्तियों के रेगुलराइजेशन के लिए और उसके लिए एक 400 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड खड़ा करने के लिए उस मौके का निर्माण किया। मैंने उस चकबंदी कानून बनाने आदि जैसे सवाल और बेनामी संपत्तियों के जाप्ती के कानून बनाने के लिए भी किया। हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको पेंशन मिल सके, मैंने गरीबों की पेंशन बढ़ाने के लिए भी उस मौके का उपयोग किया। जितने भी समाज कल्याण से मिलने वाली पेंशन है उसमें वृद्धि के लिए भी किया। तो ये मेरा DNA है, मुझको यही सिखाया गया, यही संस्कार सिखाए गए, मैंने उसके लिए समय का उपयोग किया। और आगे मैं एक बात और कह रहा हूँ सोनी जी, यदि मुझे 18 मिनट भी मिलेंगे तब भी हरीश रावत ऐसे ही काम करेगा और भाजपा वालों के पेट में जैसे आज मरोड़े उठ रहे हैं ऐसे मरोड़े उठते रहेंगे, उनको दस्त लगते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने सुना हरीश रावत जी को जो इस बात को कह रहे हैं साफ तौर पर हरीश रावत जी के जो कांग्रेस में अब विधायक हैं वो नाराज नहीं होंगे, उनको साथ लेकर के वो आगे चलेंगे और एक मनोवैज्ञानिक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या हरीश रावत जो कह रहे हैं वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक भ्रम फैलाया जा रहा है या इसके पीछे की सियासत कुछ और। देहरादून से सोनू सिंह, इन 24/7।